इंडिया की वो पॉपुलर कार्स जो कि अब बंद कर दी गई हैं, तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। वो काफ़ी फेमस थी लेकिन उन गाड़ी को बंद कर दिया गया है। वो कौन कौन सी हैं? टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। फिएट अबार्थ पुंटो 5 सीटर हैचबैक कार थी। इस गाड़ी में एक ही इंजन का ऑप्शन मिलता था, वो भी टर्बो पेट्रोल इंजन का 1.4 लीटर यानी 1400 सीसी में इंजन। काफ़ी पावरफुल इंजन था। ये कार एक परफॉर्मेंस बेस कार थी। BS6 नॉर्म्स की वजह से गाड़ी को इंडिया में बंद कर दिया गया था और फिएट कंपनी की सभी गाड़ियां ही बंद हो गई थी क्योंकि उनकी सेल्स इतनी नहीं होती थी। इस गाड़ी की भी सेल्स नहीं होती थी लेकिन ये गाड़ी फेमस थी अपनी टॉप स्पीड की वजह से, अपनी पावर की वजह से, क्योंकि गाड़ी का इंजन काफ़ी पावरफुल था। जब से BS6 इंजन नॉर्म्स लागू हुआ तब से फिएट ने अपनी सभी गाड़ियों का प्रोडक्शन बंद कर दिया था। इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था सन 2015 में और गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत थी 9,67,000 की। अगली कार आई है इटियोज लीवा, टोयोटा कंपनी की हैचबैक कार थी। इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था सन 2010 में और बंद कर दिया गया सन 2020 में। इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था इंडिया में, सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन इसके राइवल्स ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी की सेल्स डाउन हो गई थी। गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन मिलता था, डीजल और पेट्रोल में, 1.5 लीटर पेट्रोल यानी 1500 सीसी में और 1.4 लीटर डीजल इंजन यानी 1400 सीसी में डीजल इंजन का ऑप्शन। फिर है इटियोज प्लेटिनम, ये 5 सीटर सिडान कार थी। यूँ कहूँ तो ये लीवा का सिडान वर्जन थी। इस गाड़ी को भी लॉन्च सन 2010 में लॉन्च करा गया था और 2020 में बंद कर दिया गया। इस गाड़ी की रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छी थी और कमर्शियली टैक्सी में ज़्यादा चलती थी। इस गाड़ी की सेल्स भी काफ़ी अच्छी होती थी और बेहतरीन गाड़ी थी। ज़्यादातर ये आपको मैंने बताया टैक्सी में बिकती थी, काफ़ी कम्फर्टेबल कार थी। इसकी सेल्स भी कम होने लग गई थी फिर इसको बंद कर दिया गया। गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.4 लीटर डीजल इंजन, इटियोज लीवा वाले वही इंजन सेम। ये होंडा सिविक सिडान कार थी। इस गाड़ी को सबसे पहले तो लॉन्च करा गया था सन 2006 में और कुछ सालों में इस गाड़ी को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2019 में इसने फिर से एंट्री ली, लेकिन फिर इंडिया में इसे 2020 में फिर बंद कर दिया गया। ये गाड़ी इंडिया में नोएडा फैसिलिटी में बनती थी जो कि अब गाड़ियां नहीं बनाता है, फिर होंडा ने इसको बंद कर दिया। गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन मिलता था, 1.8 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। एक शोरूम कीमत 17,39,000 से 22,34,000 तक की कीमत थी गाड़ी की, लेकिन बेहतरीन गाड़ी थी। फिर एल्टो K10 5 सीटर कार थी। इस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च करा गया था सन 2010 में, फिर 2014 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन आया और 2020 में इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। ये गाड़ी काफ़ी पॉपुलर और वैल्यू फॉर मनी कार थी। जैसे मैंने आपको बताया 2014 में इसका न्यू जनरेशन लॉन्च हुआ जो कि काफ़ी अच्छा लगता है और बेहतरीन गाड़ी थी, लेकिन मारुति ने फिर एस्पेरिसो को लॉन्च करा जिसकी वजह से इस गाड़ी को बंद करना पड़ गया। वॉक्सवैगन एमयू एक सिडान कार थी। ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी सन 2016 में और 2020 में बंद कर दी गई। यूँ कहूँ सीधे सीधे ये पोलो का सिडान वर्जन है। इस गाड़ी को इंडिया में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था जिसकी वजह से इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी हो रही थी, लेकिन बाद में इसकी राइवल्स काफ़ी बढ़ गए थे, सबसे ज़्यादा तो डिज़ायर की वजह से, और फिर वॉक्सवैगन ने एमयू को बंद कर दिया गया। गाड़ी में वैसे दोनों इंजनों का ऑप्शन मिलता था, डीजल और पेट्रोल में, 1.2 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन। 5,32,000 से 10,00,000 रुपए तक की गाड़ी की कीमत थी। फिर है होंडा मोबिलियो, ये 7 सीटर एमयूवी गाड़ी थी। सबसे पहले लॉन्च करा गया था सन 2014 में और 2017 में इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। इस कार की इंडिया में सेल्स ज़्यादा नहीं होती थी जिसकी वजह से इस गाड़ी को बंद करना पड़ गया। हालांकि इसमें आपको काफ़ी कंफर्ट मिलता था
और दोनों इंजनों का ऑप्शन 1500 सीसी का पेट्रोल और 1500 सीसी में ही डीजल इंजन 7,17,000 से 12,32,000 रुपये तक की गाड़ी की कीमत थी। फिर टाटा जैज्ड। जैज्ड एक सिडान कार थी। इस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च करा गया था सन 2014 में और इस गाड़ी को 2019 में बंद कर दिया गया। टाइम टू टाइम गाड़ी की सेल्स इंडिया में कम होने लग गई थी। हालांकि ये गाड़ी बहुत मजबूत और बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली गाड़ी थी, लेकिन फिर टाटा ने अपनी टिगोर पर ज़्यादा जोर दिया, जिसकी वजह से टाटा जैज्ड को बंद कर दिया गया। इस गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.3 लीटर डीजल इंजन और एक शोरूम कीमत 5,75,000 से 9,89,000 तक। फिर आइए फोर्ड इको स्पोर्ट। 5 सीटर एसयूवी गाड़ी है। इस गाड़ी को सबसे पहले लॉन्च करा गया था सन 2012 में और 2021 में यानी इसी साल इस गाड़ी को बंद कर दिया गया। बंद करने की वजह सिर्फ यही है कि फोर्ड अपनी सभी गाड़ियां बंद कर रही है। वैसे इस गाड़ी की सेल्स काफ़ी अच्छी होती थी इंडिया में, लेकिन फोर्ड को पिछले 4-5 साल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसकी वजह से वो अपनी सभी गाड़ियाँ बंद कर रही हैं। गाड़ी में दोनों इंजनों का ऑप्शन डीजल और पेट्रोल का, 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन, 8,19,000 से 11,69,000 रुपये तक की गाड़ी की एक शोरूम कीमत है। फिर फोर्ड एंडेवर, ये लास्ट कार है। ये 7 सीटर एसयूवी गाड़ी थी। वैसे अभी भी ये मौजूद है, लेकिन बंद होने वाली है। इस गाड़ी को सबसे पहले सन 2002 में लॉन्च करा गया था। इस गाड़ी का फिर फेसलिफ्ट वर्जन आया था और 2021 में इसी साल इस गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि फोर्ड कंपनी अपनी सभी गाड़ियां बंद कर रही हैं। वैसे फोर्ड चाहती थी कि एंडेवर उसकी गाड़ी यहां बिकती रहे, लेकिन किसी कंपनी के साथ टाई अप ना होने की वजह से ये गाड़ी भी बंद हो रही है। गाड़ी में डीजल इंजन मिलता था, 2 लीटर डीजल इंजन और एक शोरूम कीमत 33,81,000 से 36,26,000 तक। तो मैंने आपको 10 ये वो कारें बताई हैं जो कि काफ़ी फेमस थी, लेकिन गाड़ी बंद हो गई है इंडिया में। आपको इनमें से सबसे बेहतरीन गाड़ी कौन सी लगी, या आप इनमें से कौन सी गाड़ी मिस करते हैं या करेंगे,